हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम द टेस्ट बुक डॉट कॉम इज तिवारी एंड होप यू आर डूइंग वेल, यस, सो हेलो एवरीवन स्वागत है सभी का आज के सेशन में सभी को नमस्कार सो कैसे हैं सभी उम्मीद करता हूँ कि सभी बेहतर होंगे और सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है यस राहुल जय हिंद अगेन वेलकम मैथिली यस वेरी गुड आफ्टरनून सो कल फाइनली एग्ज़ाम है और कहाँ कहाँ सेंटर आए हुए कल आ, नहीं सॉरी कल तो नहीं है आज तो ट्वेंटी सिक्स है ना हाँ कल नहीं परसों एग्ज़ाम है आपका सो सभी को ऑल द बेस्ट बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और अच्छे तरीके से पहुँचाइएगा अपने अपने एग्जाम सेंटर में टाइम से बहुत पहले ही आई होप की एग्ज़ाम जो सेंटर्स हैं सिटीज़ हैं ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी ठीक so, है सो चलेगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी के लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हाँ यस yes, यस yes, हाँ मैं भूल गया था मैं मुझे लगा अट्ठाईस को है, नहीं सत्ताइस को ही है कल ही एग्जाम है हाँ हाँ बिल्कुल जी हाँ ट्वेंटी सेवन को ही है सो आ, बिल्कुल सो सभी को ऑल द बेस्ट जो भी बच्चे जा रहे हैं कल पेपर देने के लिए ठीक है सभी को ऑल द बेस्ट अपना अच्छा करके आइए और आई होप कि ज्यादा से ज्यादा अभी तो रिविजन किया होगा और मॉक टेस्ट पे ध्यान दे रहे होंगे इस समय ठीक है तो so, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का आखिरी मॉक टेस्ट और इसमें लगभग मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ 50 प्लस क्वेश्चंस हैं और इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी तो शामिल नहीं की है क्योंकि इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं और साइंस का पार्ट भी इंक्लूड किया हुआ है ठीक है सो so, साइंस भी इंक्लूडेड है इसमें ठीक है और बाकी ये जो सेशन है आपका मंडे टू फ्राइडे रहता है ठीक है और बाकी अब हम लोग इसके बाद कोई नई सीरीज को स्टार्ट करने जाएंगे ठीक है और चलिए सो शुरुआत करते हैं सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी सो प्लीज़ फॉर द पीडीएफ एफ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एड द रेट सो टेक्स बुक ठीक है तो so, यहाँ पर आपको मेरे हर एक सेशन की पीडीएफ मिलती रहेगी सो आई होप की नाउ एवरी वन इज रेडी शुरुआत करते हैं आज के सेशन की ठीक है यस यस जल्दी से मुझे टाइप करके बता दीजिएगा यस एवरी वन इज रेडी ठीक है और शुरुआत करें आज के सत्र की आज के सेशन की तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे कट <laughs> ऑफ के बारे में अभी कैसे कह सकते हैं ठीक है <laughs> मतलब ये तो वही है ना कि अभी पेपर देखा नहीं है पेपर आया नहीं है पहले से कट ऑफ कैसे बता सकते हैं ठीक है तो मेरे पास ऐसी कोई ज्योतिषी पावर नहीं है <laughs> ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूं ठीक है कि पहले से कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकें डिपेंड ऑन द एग्जाम ठीक है एग्जाम पे ही डिपेंड करेगा कि, कि किस तरीके से पेपर आता है चलिए क्वेश्चन में पूछा गया कि एज पर द देंट ट्रेडिशन इज द नेम गिविन टू दो जैनिज्म की बात करते हैं और बुद्धिज्म की बात करते हैं तो में आपने देखा होगा कि हम लोग एक टर्म यूज करते हैं निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति के लिए ठीक है और जैनिज्म में भी इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक कैवल्य याद प्राप्त होता है एक एनलाइटमेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है और दूसरा एक निर्वाण शब्द का इस्तेमाल होता है ठीक है सो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर तो यहाँ पर आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक कर पाएंगे वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा या फिर फोर ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे ठीक है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज द याद रखिएगा निग्रंथा इसको क्या बोला जाता है निग्रंथा ये जो दिगंबर और स्वीतांबर है ये याद रखिएगा जनेजम के टू सेक्ट है जब हम लोग जनेजम की बात करते हैं तो इसमें दो संप्रदाय हैं एक है स्वीताम्बर जो अपनी बॉडी पर व्हाइट क्लॉथ रखते हैं ठीक है पुट व्हाइट क्लॉथ ऑन द बॉडी ठीक है और दूसरे दूसरे जो निगम्बर होते हैं ये ये दिगंबर होते हैं ये अपने आप को नेकड रखते हैं ठीक है थीके? आपने पढ़ा होगा तो ये अलग अलग जो है आपकी क्या है आ, मतलब आ, क, सेक्ट है इसमें ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि वेयर इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी पूछ सकते हो या फिर अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में बात करना चाहता तो आप इसको क्या भी बोल सकते हो निफ्टी भी आप इसको कह सकते थे या फिर इसको दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहना चाहें तो एनएसई क्या भी बोल सकते थे फिफ्टी भी बोल सकते थे ठीक है तो इसके देखिए इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम लोग बात करने जाएं तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो हुआ नाइनटीन नाइनटी फोर में नाइनटीन नाइनटी फोर से इसने फंक्शन करना शुरू कर, कर दिया ठीक है और इसका हेडक्वार्टर तो बहुत ही सिंपल है कि इसका जो हैडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है दैट इज लोकेटेड इन मुंबई ठीक है तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा गाइस ठीक है इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर तो मुंबई हेडक्वार्टर एनएससी का भी है आपका और साथ में याद रखेगा ये बी एस सी का भी है बी एस सी का तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का जो हैडक्वार्टर है वो कहाँ पर ही स्थित है आपका मुंबई में ही स्थित है ठीक है अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने पूर्व की पवित्र पुस्तक ठीक है मतलब बुक्स ऑफ द ईस्ट ये लिखी हुई है तो इसके ऑथर का नाम जरा बताएगा कौन होगा निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट तो मैक्समुलर विलियम जोन्स या फिर तिलक या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं और इस किताब के ऑथर की अगर हम लोग बात करने जाए तो इसका जो राइट आंसर है मैक्समुलर मैक्स मुलर का आपने वो भी पढ़ा होगा कि आर्यन थ्योरी भी दी गई है इसके द्वारा और आर्यन थ्योरी जब आपने पढ़ा होगा वैदे केज में में ठीक है है तो इसका कहना है कि जो आर्यंस का भारत आगमन हुआ वो कब हुआ तो वैदिक काल में हुआ था ये बोलते हैं कि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ <laughs> वो वैदिक काल में और वैदिक काल का टाइम पीरियड आप पढ़ते हो 1500 से लेकर के कहां तक 600 हंड्रेड बीसी तक ठीक है 600 हंड्रेड बीसी तक इतना टाइम पीरियड हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं ठीक है और ये कहाँ से आए थे कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया तो इसका जो मानना था मैक्स मुलर का कि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ वो कहा से हुआ सेंट्रल एशिया ठीक है तो सेंट्रल एशिया से आर्यों का भारत में आगमन होता है ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा स्पाइस गार्डन बोला जाता है ठीक है केरल होगा कर्नाटक होगा आंध्र प्रदेश होगा या फिर गोवा सो so निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट आज काफी शांति का माहौल है है ना एकदम चारों तरफ सन्नाटा है कल एग्जाम है इस सदमे में है ठीक है या फिर बहुत सारे लोग एग्जाम पोस्टपोन होने को लेकर के बैठे हुए थे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा आखिरी मतलब अभी चार पांच तीन चार दिन पहले तक लोगों को उम्मीद थी कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा और सडन एडमिट कार्ड आ गया तो इस सदमे में अभी है एकदम शांत एकदम सभी सन्नाटा आंसर कोई देना नहीं चाह रहा ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन ठीक है दट इज ऑप्शन यस रल इज द करेक्ट मसालों के लिए पॉपुलर है वो कौन सा है आपका? ही है 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 आपका ही ठीक ठीक तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनिर्वन लहरी किस खेल से जुड़े हुए हैं ठीक है सो जरा बताएगा कि दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विद द विच स्पोर्ट निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं गोल्फ से पोलो से बैडमिंटन से या फिर टेनिस से कोई बात नहीं देखो अभी जिसने जितनी पढ़ाई की हुई है उसका उसी तरीके से पेपर होने वाला है लेकिन हाँ ये मैं समझ सकता हूँ कि मतलब ये आ, इस, मतलब सिचुएशन वही होगी यही रात अंतिम यही रात भारी है ना बिल्कुल लग रहा होगा कि बस कल का दिन कैसे भी करके निकल जाए और पेपर अच्छा हो जाए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ठीक है दैट इज अप्शन ठीक है दैट इज अप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन ठीक है सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन गोल्फ इज द राइट आंसर तो ये गोल्फ से जुड़े हुए हैं ठीक है अगला सवाल है क्वेश्चन में पूछा गया है कि कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है <laughs> तो देखो ये तो बहुत सिंपल सा है जब हम लोग इंडिया के सबसे नॉर्दर्न पॉइंट की बात करते हैं तो आप किस को टिक करते हो इंदिरा कॉल को टिक करते हो ठीक है सबसे नॉर्दर्न पॉइंट को टिक करते हो ना कन्याकुमारी ठीक है फिर इसको हम लोग टिक करते हैं कन्याकुमारी ये हो गया ठीक है कन्याकुमारी को आप कन्याकुमारी टिक करते हो लैंड में हम लोग इसकी बात करते हैं ठीक है और इंदिरा पॉइंट जो हम लोग अंडमान निकोबार के पास देखते हैं इंदिरा पॉइंट ठीक है और किबथू और गौर मोटा तो ये है आपका गौर मोटा ठीक है ये गुजरात में याद रखेगा ये गौरमोटा है ठीक है और ये कौन सा है किब्थु यहाँ पे आ जाता है किब्थु तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं जब हम लोग किसकी बात करते हो आ, मतलब हम लोग बात करने जा रहे होते हैं पूर्वी पॉइंट दक्षिणी पॉइंट उत्तरी पॉइंट ठीक है मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट तो ये हो गया इंदिरा कॉल मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट हो जाएगा तो हम लोग किब्थु की बात करेंगे वेस्टर्न पॉइंट गौर मोटा और दक्षिणी पॉइंट मेन लैंड में टिक करने जाओगे तो आप किसको टिक करने जाओगे कन्याकुमारी को तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है तो ये मेन लैंड का याद रखेगा

थ्री में लिए गए हैं और कहाँ से बरो किए गए हैं यूएसए से और इनकी जो संख्या है टोटल संख्या की अगर हम लोग बात करने जाए तो टोटल संख्या कितनी है सिक्स तो इसमें राइट टू इक्वालिटी होगा पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तीसरा और चौथा है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से आप किसको टिक करने जाएंगे और इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्योंकि राइट टू इक्वालिटी आप आर्टिकल चौदह में पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप कितने में पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपको देखना पड़ेगा पच्चीस से लेकर के अट्ठाइस तक परिभाषित किया गया ठीक है ट्वेंटी फाइव से लेकर के अट्ठाईस तक और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो हम लोग आर्टिकल नाइनटीन की बात करते हैं ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया कि लाइन्स ज्वाइनिंग एरियाज हैविंग द सेम रेनफॉल और कॉल्ड ठीक है तो पूछा गया है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है आईसो बार बोलेंगे आईसो हाइड बोलेंगे आई थर्म बोलेंगे या फिर इसमें सम समलवन रेखा बोला जाएगा ठीक है सो इसका करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से सही आंसर क्या होगा वन के लिए जाएंगे टू के लिए थ्री के लिए या फिर फोर के लिए विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है गाइस जितने भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं सेशन को अटेंडेंस को मार्क्स जरूर करते चले जाइएगा और काफी समय तक ये हमारा साथ रहा है जेई के लिए ठीक है वो बात अलग है कि आप में से बहुत कम लोग अटेंड करते रहे हैं बिगनिंग में क्योंकि सबको लग रहा था कि पेपर पोस्टपोन होगा पेपर पोस्टपोन होगा एक माह से तो बोल रहे थे कि सर पेपर क्यों नहीं पोस्टपोन होना चाहिए मतलब अभी चार दिन बचे हैं और एडमिट कार्ड नहीं आया तो 100 है तो हंड्रेड परसेंट पोस्टपोन है ठीक है अब उन पर क्या बीत रही होगी भगवान ही जाने इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग जो देखने जाएंगे दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर आईशो हाइट इज करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो यानी कि ऐसे पॉइंट जो समान रेखाओं को जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसो हाइट ठीक है जहां पर इक्वल जब हम लोग प्रेशर की बात करते हैं जहां पर समान वायुदाब की बात करते हैं ठीक है थीके? उन दोनों को पॉइंट्स को जोड़ने वाले हम लोग पॉइंट्स को क्या बोलते हैं आइसो बार्स बोलते हैं ठीक है जब हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं ठीक है तो आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर समान टेम्परेचर पॉइंट को जोड़ने वाले आइसोथर्म कहलाते हैं और आइसो सलाइन मतलब जहां पर आपको बराबर सनलाइट मिलती है सूर्य सूर्य की लवणता मिलती है ठीक है तो ऐसे पॉइंट्स को जोड़ने वाले हम लोग क्या बोलते हैं आइसो बोलते हैं ठीक है अगला अगला पॉइंट देखो क्या पूछा गया कि नेट ग्रोथ रेट तो आबादी की निवल वृद्धि दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे यहां पर वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा या फिर फोर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन में देखिए जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट सो द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज द राइट आंसर ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा इज द राइट आंसर ठीक है अगला सवाल है क्वेश्चन पूछा गया कि विस सिटी इज डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी तो इंडिया की जो सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर की गई है ये निम्नलिखित में से कौन सी है अहमदाबाद है जयपुर है जोधपुर है ठीक है और जबलपुर है निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे होगा, होगा, होगा या फिर four, which option is right? so भारत को निम्नलिखित में से से देखो अभी तक यूनेस्को आ सकते हैं, ठीक है? थीके? तो यूनेस्को चेक जरूर कर लीजिएगा चेक पॉइंट की अगर मैं बात करने जाऊं पहले तो इसका सही आंसर देख लीजिएगा और यूनेस्को 100 परसेंट आपको जरूर पूछा जाएगा देखिए यूनेस्को आप सभी जानते हैं कि नाइनटीन फोर्टी फाइव स्टेब्लिशमेंट है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है पेरिस में ठीक है एक चीज समझ में आ गई अच्छा अब इंडिया में देखो हम लोग किसकी बात करते हैं कि इंडिया में जो हमारे हेरिटेज है इंडिया में ठीक है इंडियन हेरिटेज की बात करने जाए तो इंडिया में जो हेरिटेज है याद रखिएगा साइट कितनी है तो साइट तो आपको मालूम है कि कितनी है टोटल चालीस इसमें से सबसे पहली याद रखिएगा जो सबसे पहली हमने जोड़ी गई थी कौन सी थी रेड फोर्ट आगरा सबसे पहली की अगर मैं बात करने जाऊं तो सबसे पहली जो, जो जोड़ी गई थी याद रखिएगा फर्स्ट की बात करने जा रहा हूँ रेड फोर्ट सा है आगरा अगर कभी पूछा गया तो ठीक है और जो अभी हाल ही में जो फोर्टीथ जोड़ी गई है वो याद रखिएगा धौलावीरा गुजरात का ठीक है so सो धौलावीरा कहाँ का है गुजरात का आगरा तो बताने की जरूरत ही नहीं है ठीक है वो तो क्लियर ही है ठीक है ये गुजरात का जोड़ा गया था ठीक है अच्छा दूसरा हम लोग बात करते हैं कि हाँ ये तो हो गया चालीस ठीक है इतना समझ में आ गया मैक्सिमम कहां पे है तो मैक्सिमम याद रखेगा महाराष्ट्र से मैक्सिमम जो हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र से टोटल वो भी कितनी पांच अब मैक्सिमम सिटीज की बात की जाए तो सिटी कितनी जोड़ी गई है चार मैं नाम ले, ले लेता हूँ बस अहमदाबाद है जयपुर है ग्वालियर है और ओरछा है ठीक है चार से रेलवे लाइन की बात करेगा कि टोटल कितने रेलवे लाइन इंक्लूड की गई है ठीक है हेरिटेज में तो रेलवे लाइन याद रखेगा तीन है ठीक है कालका शिमला आपने पढ़ा होगा दार्जिलिंग ये वाले पार्ट ठीक है अच्छा दूसरा और कोंगन ठीक है और तीसरा इसमें पूछा जाता है कभी कभी बायोस्फेयर कि कितने बायोस्फेयर इसके द्वारा लिस्ट किए गए हैं तो बायोस्फेर याद रखिएगा बारह अब इंटेंजिबल कैटेगरी में तो बहुत सारी चीजें डाल दी गई है इंटेंजिबल जिसमें अलग अलग फेस्टिवल जैसे आपने पढ़ा होगा दुर्गा पूजा को डाला गया है कलवेलिया फेस्टिवल को डाला गया है कुंभ को भी डाल दिया गया है तो बहुत सारे इंटेंजिबल चीजों में इंक्लूड किया गया ठीक है तो अभी इतना ही करेंगे क्योंकि हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं मिस्टर डोंग आप जल्दी आ गए डोंग बोल रहे डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता तो आपने भी कल बिल्कुल डोंग को ही अपनाना है ठीक है याद रखिएगा बिल्कुल कि आप भी बिल्कुल भी रॉन्ग ना हो जो क्वेश्चन बनता है उसको बिल्कुल अच्छे से करें बाकी निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं ठीक है तो डोंग आपके साथ रहेंगे बिल्कुल ठीक है और टेस्ट बुक पास इनरोल कर सकते हैं अठारह महीने का टेक्स्ट बुक पास इस समय मिल रहा है ठीक है थ्री सेवेंटी फाइव रुपये में बाई यूजिंग द कपन कोट एसकेटी पास ठीक है चलिए अगला सवाल क्वेश्चन पूछा गया किस भारतीय को सबसे पहले भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था ठीक है अब देखो इसके अगर मैं बात कर जाऊं भारत रत्न तो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कई बार पूछा जाता है कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का ठीक है ठीक है हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड अब ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये स्टार्ट हुआ था कब तक आ, दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था उन्नीस में और टिल नाउ अभी तक जो मिल चुका है ये टोटल कितने कैंडिडेट तो अभी तक टोटल याद रखेगा एट पर्सन को मिल चुका है ठीक है कितने बच्चों को मिल चुका है कितने लोगों को मिल चुका है दोस्तों फोर्टी एट लोगों को मिल चुका है ठीक है अच्छा इसमें से दो लोग नॉन इंडियन है ठीक है टू नॉन इंडियन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया कोई बता सकता है कि दो नॉन इंडियन कौन है ठीक है वैसे मैं बता दूंगा बट बत इसमें पूछा गया है कि देखो यार महात्मा गांधी को तो नहीं दिया गया ठीक है अच्छा जवाहरलाल नेहरू सरपल्ली राधाकृष्णन राजेंद्र प्रसाद तो इसमें से जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन करेक्ट तो सरपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया तो उन्नीस सौ चौवन में ही दिया गया था इनको सबसे पहले जो दिया गया था याद रखेगा तो सबसे इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थ्री और आप सभी जानते हैं कि ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं सॉरी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सरपल्ली राधाकृष्णन और बाकी पांच सेप्टेम्बर तो जानते हो कि फिफ्थ सेप्टेम्बर को हम लोग टीचर्स डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं ठीक है टीचर्स डे के तौर पर तौर पर ऑब्जर्व करते हैं अब दो नॉन इंडियन कौन से जिनको ये पुरस्कार मिला है तो एक याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां और दूसरे हम लोग जो टिक करने जाते हैं नेल्सन मंडेला याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां और दूसरे पर्सन का नाम क्या है नेल्सन मंडेला ठीक है सेकंड पर्सन जरूर करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर छतीस ठीक है दूसरे जो व्यक्ति है वो है नेल्सन मंडेला ठीक है खान अब्दुल गफ्फार खां और नेशनल मंडेला अगला सवाल है द टर्म बिसअप इन स्पोर्ट इज रिलेटेड टू तो स्पोर्ट में बिशप शब्द का अर्थ क्या है यह आपको बताना है so, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट ठीक है विच ऑप्शन इज राइट ठीक है जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे ठीक है वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर ठीक है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट चेस इज द राइट आंसर ठीक है चेस इज द राइट आंसर तो इसमें uh, हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हैविएस्ट मास रिवॉल्वर अराउंड द सन ठीक है काफी इंपॉर्टेंट सवाल जोग्राफी का है ठीक है uh, ये ये मैंने आंसर कैसे बता दिया भाई देखिएगा सबसे भारी पिंड कौन सा है जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है सबसे भारी ठीक है बताइएगा सबसे भारी कौन सा है नेपच्यून तो ये तो आपको मालूम है कि नेपच्यून की अगर प्लूटो इसमें तो है नहीं हाँ कौन सा करेक्ट है स्वायोग की सभी ने टिकी कर दिया आंसर देख ही लिया होगा सो जुपिटर इज द राइट आंसर ठीक है जुपिटर इज द राइट आंसर भाई जो मून है ये तो हमारे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है ना अर्थ के चारों ओर घूम रहा है ठीक है <laughs> तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर जुपिटर तो आप सभी को मालूम है कि ये साइज में आ, सबसे बिगेस्ट है ठीक है साइज में सबसे बिगेस्ट है ठीक है चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द दस्टेथोस्कोप ठीक है तो जरा बताइएगा एस्टेटोस्कोप की जो खोज है वो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी बिल्कुल जुपिटर साइज में सबसे बड़ा ठीक है और आउटर प्लानिट्स में आता है ठीक है और आउटर प्लानट्स को हम लोग क्या बोलते हैं जोवियन प्लानिट के नाम से जानते हैं और जुपिटर की टोटल सेवेंटी नाइन जो है सैटेलाइट है और उनमें से जो पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है जाइनामीड वो जुपीटर का ही पार्ट है ठीक है जुपीटर का ही पार्ट है तो अब इसमें आप करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिएगा गाइस कि इसमें जो हम लोग सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है रेने लाइनेक इज द राइट आंसर तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है लेदर प्रोडक्शन है वुड प्रोडक्शन है हनी प्रोडक्शन है कोकोनट प्रोडक्शन है ठीक है सो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट तो ब्राउन रेवोल्यूशन पूछा गया है ब्राउन रेवोल्यूशन तो अभी तक आपने देखो ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है आपने पिंक रेवोल्यूशन पढ़ा है आपने फ्लड रेवोल्यूशन पढ़ा है व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, है. इसमें पूछा गया है ब्राउन रेवोल्यूशन तो ब्राउन रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से कुछ जुड़ा हुआ है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रिलेटेड टू द लेदर प्रोडक्शन ठीक है सो ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है ऑप्शन वन इज करेक्ट चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड एलईडी ठीक है एलईडी निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट इन्वेंट किया गया आपको देखा होगा कि गवर्नमेंट एलईडी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रोग्राम भी चला रही है अगर मैं इसकी बात करने जाऊं एलईडी जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है तो इस एलईडी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है उजाला ठीक है उन्नत ज्योत अफोर्डेबल टू ऑल तो आपने ये पढ़ा होगा उन्नत जोत अफोर्डेबल टू ऑल सो दिस प्रोग्राम इज रन बाय द गवर्नमेंट ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर ठीक है विच ऑप्शन इज करेक्ट यस बिल्कुल हनी गोल्ड से जुड़ा हुआ है गोल्डन रेवोल्यूशन उसको बोलते हैं हम लोग तो इसका जो right करेक्ट so आंसर है दैट इज इज होलोन्याक द राइट आंसर ठीक है सो ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है नेपाली इज प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट तो नेपाली निम्नलिखित में से किस में आ, किस राज्य में बोली जाती है अब आपने ये पढ़ाओ भी होगा कि जब हम लोग बात करते हैं मणिपुरी के बारे में ठीक है दूसरा हम लोग बात करते हैं नेपाली के बारे में नेपाली के बाद हम लोग बात करते हैं कोंकणी के बारे में ठीक है कोंकणी तो ये जो है आपकी प्राइमरली लैंग्वेजेस है ठीक है ये प्राइमरली जो है आपकी लैंग्वेजेस हैं ये थ्री लैंग्वेजेस जो है इनकी अब हम लोग बात करने जाए तो आपको मालूम है कि ये ऐड की गई थी हमारे किस में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में और ये जोड़ी गई थी किस अमेंडमेंट के तहत अंडर द सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट तो इकहत्तरवे संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था अब ये किस राज्य में बोली जाती है सुभा आंध्र प्रदेश तो पॉसिबल होगा नहीं राजस्थान क्या पॉसिबल हो जाएगा तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा कर्नाटक क्या पॉसिबल हो जाएगा नहीं तो ऑप्शन की बात है कि आप इसमें ऑप्शन को बहुत इजिली रिमूव कर सकते हैं तो सिक्किम इज द राइट आंसर और सिक्किम का तो निर्माण आप जानते हो कि थर्टी सिक्स अमेंडमेंट के तहत हमने किया था सिक्किम का निर्माण और वो भी कब हुआ था उन्नीस में और सिक्किम की जो हम लोग कैपिटल पढ़ते हैं तो कैपिटल आप सभी जानते हो कि इसके हम लोग कैपिटल कौन से पढ़ते हैं गंगटोक और सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है कंचनजंगा ठीक है सो कंचनजंगा जरूर पढ़ के जाइएगा कंचनजंगा याद रखेगा एक तो कंचनजंगा जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है मिक्स्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है और लिस्ट पॉपुलेशन है सिक्किम का सबसे कम आपका पॉपुलेशन है सिक्किम का ठीक है और एरिया के आधार पर भी दूसरे नंबर पे है और भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट है फर्स्ट हम लोग इसको क्या टिक करते हैं ऑर्गेनिक स्टेट टिक करते हैं ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द न्यूज केसरी तो केसरी न्यूज़पेपर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था केसरी मराठा केसरी बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर थे आपने पढ़े होंगे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग मराठा और दूसरा आपने पढ़ा होगा और केसरी तो याद रखेगा जो केसरी था वो मराठी में था ये मराठी लैंग्वेज में था और ये जो मराठा था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था ठीक है बहुत कन्फ्यूजन करके दिया है इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था और ये लिखा था किसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक थी ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ठीक है सेकंड इज द राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक जिनको हम लोग लोकमान्य के नाम से भी जानते थे ठीक है इनको फादर ऑफ अनरेस्ट भी बोला जाता था फादर ऑफ अनरेस्ट स्वदेशी मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं इनको मांडले जेल भी भेजा गया था याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को और जो आईएनसी थी उसके ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी से जुड़े रहे हैं ठीक है एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी से जुड़े हुए यानी कि जो गर्म दल रहता है या चरमपंथी दल और होम रूल लीग मूवमेंट इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था ठीक है और ये जो आर्यंस की याद रखेगा आर्कटिक थ्योरी है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दी गई थी ठीक है है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आउट आउट ऑफ ऑफ द फॉलोइंग वन हैज नॉट बीन बाय द मुंशी प्रेमचंद तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा गया था ये आपको बताना है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट गबन गोदान कर्मभूमि या राग दरबारी इसमें से निम्नलिखित में से किस चीज के ऑथर मुंशी प्रेमचंद नहीं है तो मुंशी प्रेमचंद किसके ऑथर नहीं है दैट इज अ कर्म भूमि ठीक है तो ये याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया ठीक है थीके? बाकी सारे लोगों ने जिन्हें तुक्का मारा है सो गलत हो गया है मास्टर क्लास आज याद रहेगी थ्री पी पर तो जो भी बच्चे मास्टर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं मास्टर क्लास जरूर अटेंड करिए एस एस के लिए मैंने मास्टर क्लासेस स्टार्ट कर दी है जो आपके टेक्स बुक एप्लीकेशन पर थ्री पी पर होती है ठीक है और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल सॉरी मैकेनिकल और सिविल इन सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मास्टर क्लास इनरोल कर सकते हैं मात्र मात्र फाइव थर्टी वन रुपए पर मंथ में ठीक है टेक्स्ट बुक सुपर टीचर्स के साथ अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया कौन से संशोधन ने लोकसभा की निर्वाचन संख्या बढ़ा दी सो so, इसमें हम लोग निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के लिए जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट सो विच अमेंडमेंट इंक्रीज द इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कौन से संशोधन ने लोकसभा की निर्वाचन संख्या बढ़ा दी है और निर्वाचन संख्या जो बढ़ाने का काम किया गया वो किसके तहत बढ़ाने का काम किया गया याद रखेगा थर्टी फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत ठीक है थीके? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ ऑप्शन दैट इज अ अ ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ठीक है यस इज द राइट आंसर ठीक है थर्टी फर्स्ट इज द राइट आंसर ठीक है थर्टी फर्स्ट इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल क्योंकि ये तो आपको मालूम है इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इससे हमने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया हुआ था ठीक है चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया है कि किला राय पिथौरा By, तो जो किला राय है, ये निम्न में से किसके द्वारा शुरुआत में 525 थे अभी 545 है 545 में से वर्तमान में देखा जाए तो पांच सौ तैतालीस है ठीक है फाइव फोर्टी जिसमें से सबसे ज्यादा यूपी से टोटल 80 और उसमें एस सी रिजर्वेशन को भी देख लिया जाए तो एस सी रिजर्वेशन भी जरूर याद रखेगा कि 84 फोर का और एस का, का कितना रहता है लोकसभा में फोर्टी तो ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया था किसके द्वारा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है इन्हीं इन्हीं को बोला जाता है ना राय पिथौरा इनको एक टाइटल दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने पढ़ा होगा राय पिथौरा ठीक है इनको टाइटल मिलता है और इनके समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा ठीक है और इनसे जुड़े हुए आप दो युद्ध भी पढ़ते हैं तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध ठीक है ग्यारह सो संव ग्यारह सो बानवे गौरी के साथ जिसमें तराइन प्रथम में पृथ्वीराज चौहान पराजित जीत गए और दूसरे में पराजित हो जाते अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड एरोप्लेन तो एरोप्लेन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था ठीक है 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 एडिशन हॉफमैन या राइट ब्रदर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है सो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड एट ठीक है तो जो नेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है जो निम्नलिखित में से कहाँ पर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में बेंगलुरु में अहमदाबाद या हैदराबाद में ठीक है सो जरा बताएगा किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट ठीक है तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड है ये कहां पर स्थित है आपके हैदराबाद में सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट जहां पर राइट टू इक्वालिटी स्थापित की गई है रामानुजा चार की ठीक है पर आपका चार मीनार लोकेटेड है और दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा ग, नहीं गोल गुम्बस तो आपका बीजापुर लोकेटे में लोकेटेड है ठीक है अगला सवाल देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि नोबल लॉरिएट डॉक्टर अमर सेन इज स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ विच अप्रोच फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो देखो ये अमर सेन आपने पढ़ा होगा ये पहले फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट थे फर्स्ट इंडियन आप कह सकते हो इकोनॉमिस्ट प्रथम भारतीय ये अर्थशास्त्री थे जिन्होंने क्या जीता हुआ था वन नोबेल प्राइज ठीक है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ था वन नोबेल प्राइज ठीक है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता और इन्होंने नोबेल प्राइज कब जीता था तो आपको मालूम होना चाहिए कि उन्नीस में इनके द्वारा नोबेल प्राइज जीता गया था ठीक है उसी से संबंधित ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आर्थिक विकास के किस दृष्टिकोण के पक्ष में है तो आ, फ्री मार्केट के पक्ष में है पहला है दूसरा वेलफेयर इकोनॉमिक्स के पक्ष में है तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पक्ष में या फिर चौथा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के पक्ष में सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट वेलफेयर इकोनॉमिक्स के पक्ष में ठीक है सो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर वायरस तो निम्नलिखित में से कौन सा है? एक कंप्यूटर वायरस है आपको बताना है कोड रेड है दूसरा है कोड ब्लू है तीसरा है कोड ब्लैक है या फिर चौथा निम्नलिखित में से कोई भी नहीं ठीक है जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है विच ऑप्शन इज द राइट आंसर तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ठीक है यहाँ पर हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज अ ऑप्शन ठीक है दैट इज अ ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है कोड रेड इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है अंतरिक्ष में जाने वाला तो अगर फ्रॉम इंडिया अगर हम लोग बात करने जाए तो आपने पढ़ा होगा कि इंडिया से फ्रॉम इंडिया तो इंडिया से अगर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा गया तो क्या नाम था उनका राकेश शर्मा ठीक है तो इंडिया से अंतरिक्ष में जाने वाला जब हम लोग प्रथम व्यक्ति पढ़ते हैं तो आप क्या टिक करते हैं ठीक है राकेश शर्मा टिक करते हैं ना तो इंडिया से जाने वाला प्रथम व्यक्ति तो हम लोग राकेश शर्मा को ही टिक करते हैं ठीक है अंतरिक्ष में और वैसे जो जाने वाला व्यक्ति था वो कौन सा था यूरी गागरे ठीक है ये प्रथम व्यक्ति था जो कहां पे गया स्पेस में और ये जो नील आर्म है ये रहता है फर्स्ट पर्सन ठीक है रीच ऑन मून तो अगर इसमें पूछा गया कभी तो याद रखेगा फर्स्ट पर्सन रीच ऑन मून ठीक है तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है नील आर्म स्ट्रॉन्ग ठीक है और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है तो आप किसको टिक करने जाओगे यूरी गागरेन और इंडिया से अंतरिक्ष में जाने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति कौन सा था तो राकेश शर्मा साहब ठीक है तो शर्मा जी का याद रखेगा तो शर्मा जी का बेटा सबसे पहले कहां पे पहुंचा था अंतरिक्ष में ठीक है अगला सवाल है देखो क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन तो पूछा गया ओजोन क्षरण का पर्यावरणीय प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है तो इसमें आप निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज राइट ठीक है सो जरा बताएगा किस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा और निम्नलिखित में से आप किसको टिक करेंगे गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को जल्दी से लाइक जरूर कर दें ठीक है और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अब देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हम लोग देख पाएंगे कि यहां पर जो हम लोग सही आंसर टिक करेंगे वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन वन इज करेक्ट इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी एंड इम्प्रूवस एयर क्वालिटी ठीक है सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अगर इसमें मैं करेक्ट आंसर की बात करने जाऊं तो इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिलीव्स इन गिविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन ठीक है तो किस प्रकार की सरकार का मानना है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार अवसर होने चाहिए ठीक है जो फेमिनिस्ट गवर्नमेंट है उसका सेक्युलरिस्ट का और जो जातिवादी सरकार होती है या फिर कम्युनिस्ट का तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार ये मानती है कि सभी को बराबर ठीक है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट फेमिनिस्ट गवर्नमेंट ठीक है फेमिनिस्ट गवर्नमेंट ठीक है यस yes, यस yes. चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा जरा ठीक है सियाचिन ग्लेशियर ठीक है कहाँ पर है तो सियाचिन वाला पॉइंट काफी न्यूज में रहा है और सियाचिन सी, को आप कह भी सकते हैं ना कि हाईएस्ट बैटल फील्ड इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट बैटल फील्ड हाइएस्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं बैटल फील्ड बोलते हैं ना बैटल फील्ड सियाचिन ग्लेशियर किसका हिस्सा है काराकोरम का पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज ठीक है पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज यस yes. हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि फोर्टी प्लस लाइव है और आंसर जो है सिर्फ पांच और छह लोग ही देख दे सकते हैं ठीक है अब इनके लिए वही डायलॉग कह सकते हैं कि देख रहे हो विनोद कैसे लोग इतनी संख्या में लाइव रह करके कम आंसर करते हैं है ना बट क्या करें अभी कल एग्जाम है है ना और इनका डर सबका खत्म नहीं हो रहा होगा तो डर का माहौल है डर का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है ठीक है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा

निम्नलिखित में से किसको टिक करने सागर अगर निम्नलिखित में किस देश की सीमा को नहीं छूता तो सी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि इसको हम लोग जब देखते हैं तो आप लार्जेस्ट लेक इसको पढ़ते हैं वर्ल्ड में ठीक है तो ये लार्जेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड तो ये पूछा गया है कि आ, ये निम्नलिखित में से आ, किसको नहीं किस बाउंड्री को नहीं टच करता उसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा इसमें जो हम लोग टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन ठीक है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है तो ये तुर्की को टच नहीं करता और अभी तो आपको मालूम है कि इसका जो नाम है रिनेम हो गया है इसका जो नेम है वो जस्ट रिनेम हो चुका है और इसका जो न्यू नेम बना हुआ वो क्या बना हुआ तुर्की है तुर्की ठीक है तो आपने पढ़ा होगा कि इसका जो न्यू नेम आ गया वो क्या गया? आ गया थीके? तुर्की ये आ गया ठीक है तुर्की अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा आयुक्की सभी जानते होंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपर हाउस दैट इज नोन एज द अपर हाउस या फिर इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं ठीक है काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं ठीक है अच्छा अब देखो इसका जो डिफाइन किया गया है पहले तो इसका आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल अस्सी में परिभाषित किया गया है और ये बोलता है कि ये एक परमानेंट बॉडी है याद रखिएगा स्थायी सदन है ठीक है परमानेंट बॉडी है दूसरा इसका जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं कई बार इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछ ली जाती है और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी हाल ही में नियुक्त नियुक्ति चल रही है तो 12 होते हैं नॉमिनेटेड और दो होते हैं इलेक्टेड अभी आपने पढ़ा होगा जो पीटी ऊषा और बहुत सारे प्लेयर्स के नाम है 12 नॉमिनेटेड भी दिए गए नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ठीक है इसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है सिक्स ईयर का होता है ठीक है सिक्स ईयर का मेंबर्स के लिए जो एज रिक्वायर्ड होती है मेंबर्स के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है मिनिमम एज की अगर मैं बात करने जाऊं सो कम से कम जो उम्र रिक्वायर्ड होती है वो लगभग कितनी होती है तो यहाँ पर आपको जाने के लिए कम से कम मिनिमम एज कितनी चाहिए थर्टी ईयर्स की और यहाँ पर याद रखेगा प्रत्येक टू ईयर्स में वन बाई जो थर्ड मेंबर होते हैं एक तिहाई जो सदस्य होते हैं ये क्या हो जाते हैं रिटायर हो जाते हैं ठीक है सदस्य रिटायर हो जाते हैं ठीक है चलिए अगला सवाल तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स इज द राइट आंसर ठीक है सिक्स इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक अबाउट द राइट टू लाइफ तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है हाँ लोकसभा का पांच साल का होता है पंचायत का भी पांच साल का होता है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में ठीक है राइट टू लाइफ जीवन जीने का अधिकार कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन कौन सा थ्री इज राइट आंसर क्योंकि थर्टी टू किसके बारे में बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो बात करता है वो किसके बारे में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो संविधानिक उपचारों का अधिकार जिसको हार्ट एंड साउल बोला गया है आर्टिकल 18 आप जानते हो कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है ये एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है और आर्टिकल 19 फ्रीडम के बारे में बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है ठीक है चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच इज द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑफ द ईयर ठीक है तो कौन सी वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है विम्बलडन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन बेटा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स बिल्कुल आर्टिकल उपाधियों के के अंत के बारे में बात करेगा ठीक है और यहां पे जो राइट right आंसर हो जाएगा वो किसको टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ऑस्ट्रेलियन ओपन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ऑस्ट्रेलियन ओपन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चले अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वॉज फॉर्मड टू सजेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन सेंटर और स्टेट रिलेशन की अगर हम लोग बात करने जाएं तो सेंटर स्टेट रिलेशन डिफाइन किए गए हैं पार्ट नंबर किस में पार्ट नंबर 11 में पार्ट नंबर 11 में याद रखेगा रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तो ये बात करता है रिलेशन बिटवीन याद रखेगा किसके बारे में सेंटर एंड स्टेट तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बारे में बात करता है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बारे में बात करता है और इससे जुड़ा हुआ जो आयोग है वो कौन सा कहलाता है दैट इज अ सरकारिया आयोग ठीक है इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 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 वन इज करेक्ट ठीक है कई बार ये पूछता है कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एपी कमेटी आपने पढ़ा होगा तो ये ब्लैक मनी से जुड़ी हुई थी अगर आपको याद है तो ब्लैक मनी से जुड़ी हुई एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एसआईटी गठित की गई थी दरअसल में एक एसआईटी थी ठीक है और सरकारी आयोग किससे जुड़ा हुआ है आपका तो ऑलरेडी देख लिया राज्य और केंद्र के संबंधों को लेकर सच्चर कमेटी आपने दिखा होगा कि ये पढ़ाया गया था जो मुस्लिम माइनॉरिटीज कम्युनिटी है ठीक है तो उनकी स्थिति को चेक करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम क्या था सच्चर कमेटी और आपने कई बार डिबेट्स में भी सुना होगा इसका नाम काफी आता है सच्चर कमेटी का अगला सवाल है कि हु वॉज़ द फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबल पीस प्राइज तो भारत का नहीं दिया गया है अमेरिकन का नाम दिया गया है कि सबसे पहले अमेरिकन का नाम बताइए जिन्होंने नोबल नोबल पीस प्राइज जीता देखो हम लोग इंडिया में मदर टेरेसा की बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में भी बात करते हैं जिनको नोबल प्राइज मिला टोटल नौ लोग हैं जिनको नोबल प्राइज़ मिल चुका है भारत में तो अमेरिकन की अगर हम लोग बात करने जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है थियोडोर रूज वेल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज सेट टू हैव टेक एन प्लेस इन इंडिया तो निम्नलिखित अविष्कारों में से कौन से अविष्कार भारत में हुए थे क्रेस्कोग्राफ रेडियो टेलीविजन या फिर आप सभी का सबसे फेवरेट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबब ठीक है सो तो आप सभी का जो सबसे फेवरेट ऑप्शन है वो तो यही है ना ऑल ऑफ द अबब ठीक है So, देखते हैं कि आज आप में से कितने लोग हैं जो अपना फेवरेट ऑप्शन टिक करते हैं ठीक है सो जरा बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है कैस्को ग्राफ इज द राइट आंसर कैस्को द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए अब देखो गाइज यहां पर है आपके किसके बारे में टेक्स बुक सुपर कोचिंग ठीक है सो so, आप टेक्सट बुक के सुपर टीचर्स के साथ मिलकर के अपनी सुपर प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये जो सुपर प्रिपरेशन है इसमें आपको 25 प्लस टीचर्स के सुपर कोर्सेज मिल जाते हैं और ये जो सुपर कोर्सेज हैं इसमें सुपर टीचर्स कौन से हैं तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज हैं जो सुपर आपके कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले ट्वेंटी फाइव से ज्यादा टीचर्स हैं लेकिन साथ में जो टेक्स्ट बुक की फैकल्टीज हैं वो भी आपको लाइव इंटरेक्शन कंडक्ट करने जाएंगी बहुत सारे डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे डेली लाइव क्लासेस होंगे तो आप इनसे भी कनेक्ट रह सकते हैं रह सकते हैं और

तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया लेकिन बाद में वापस ले लिया गया और इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ठीक है नहीं नहीं वीर सावर का नहीं है याद रखेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस है तो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा पठार एक मैदान और एक पर्वत के आधार के बीच का सपाट क्षेत्र है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर विच ऑप्शन इज करेक्ट देखो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड काफी फैक्ट पूछे जाते हैं तेईस जनवरी पराक्रम दिवस उनके नाम पर एक अवार्ड पुरस्कार शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है आपदा प्रबंधन पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है दो का और uh, दूसरा उनके नाम का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पटियाला में स्थित है एयरपोर्ट है आपका कोलकाता में स्थित है ठीक है इस क्वेश्चन और उनकी किताब का नाम इंडियन स्ट्रगल उनके जो स्लोगन है ठीक है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राउट आंसर ठीक है माउंटेन स्टेप प्लेटल्यू इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है सो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है अगला सवाल है क्वेश्चन में पूछा गया कि संसदीय उम्मीदवार के लड़ने की निम्नलिखित में से मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए Uh, कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हैं सीमा तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए दैट इज़ अ ऑप्शन ठीक है थ्री इज द राइट आंसर ट्वेंटी फाइव ही है आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग बात करते हैं किसके लिए लोकसभा इलेक्शन की बात हो या फिर uh, विधानसभा इलेक्शन की बात हो लोकसभा या फिर विधानसभा तो आपको कितनी चाहिए पच्चीस uh, साल ठीक है जब आप पंचायत इलेक्शन की बात करने जा रहे हो पंचायत इलेक्शन की ठीक है तो आपकी इक्कीस साल होनी चाहिए और अठारह साल एक तो वोटिंग के लिए भी है लेकिन अब शादी के लिए नहीं है अठारह साल अठारह साल से बढ़ा करके इक्कीस साल कर दी गई ठीक है और ग्राम सभा मेंबर कि अगर आप ग्राम सभा मेंबर बनना चाह रहे हैं तो फिर आपकी उम्र कितनी हो जानी चाहिए अठारह साल ठीक है अठारह साल ठीक है और लास्ट में थर्टी इयर्स तो जो थर्टी इयर्स होती है आपने पढ़ी होगी कि ये किसके लिए होती है राज्यसभा के लिए तो जो थर्टी इयर्स की एज हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा के लिए और या फिर आप कह सकते हो विधान परिषद के लिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो ठीक है राहुल इसको एक बार चेक कर लेते हैं डोंट वरी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करेंगे तो इसका जो राइट right आंसर है ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर थ्री वन टू तो थ्री वन टू किसके बारे में बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज ठीक है और थ्री वन फाइव आपने पढ़ा होगा कि सर्विस अंडर यूपीएससी ठीक है इसकी बात करेगा अच्छा 352, 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी तो 352 फिफ्टी टू डिफाइन अबाउट द नेशनल इमरजेंसी और 280 बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में सो so, आर्टिकल जो टू है ये फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है 312 ऑल इंडिया सर्विसेज़ के बारे में बात करता है ठीक है hmm, और 323, ये कही कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन वाला पार्ट होगा इलेक्शन कमीशन से बात कर रहा होगा ठीक है इलेक्शन कमीशन वाला पार्ट रहेगा अगला सवाल देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है हाँ बिल्कुल मैं एक बार चेक कर लूंगा सीमा डोंट वरी ठीक है मतलब ऑप्शन एंड करने ये सेशन एंड करने से पहले एक बार हम लोग जरूर देख लेंगे मुंशी प्रेमचंद वाला पॉइंट डेफिनेटली डोंट वरी हु इज द ऑथर ऑफ द वन इंडियन गर्ल तो ये तो यार सभी के फेवरेट ऑथर है और मतलब इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इनकी कोई भी किताब आ जाए एग्जामिनर के लिए बहुत ही फेवरेट रहती है ठीक है इनसे रिलेटेड कोई भी किताब आ जाए एग्जामिनर की बहुत फेवरेट रहती है ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर सभी को मालूम चेतन भगत इज द राइट आंसर ठीक है तो इसमें जो सही आंसर टिक करने जाएंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चित्रंजन लोगो मोटे हुए इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी ठीक है तो आपने पढ़ा होगा ना चित्रंजन लोकोमोटिव, ठीक है इसकी स्थापना किस एफ के तहत की गई थी द्वितीय ठीक है तो जो पहली एफ थी उसके समय पहली एफ तो ये 1951 से लेकर के कहाँ तक रहती है तो इसका अगर टाइम देखा जाए तो 1951 से लेकर के रहता है नाइनटीन तक 1956 तक Uh, जो दूसरी दूसरी रहती है इसका रहता है 1956 से लेकर के 61 तक तीसरी रहती है 1961 से लेकर के कहाँ तक 66 तक और जब चौथी की बात करते हैं तो 1969 से लेकर के 1974 तक सो hmm. so इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल नेक्स्ट uh, क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं ठीक है अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है yes पूछा गया है कि जो एफ आई ये सी है यानी कि फिक्की जिसको हम लोग बोलते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है विच ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फिकी फिक्की का हेडक्वार्टर निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है मुंबई में बेंगलुरु में न्यू दिल्ली में या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं तो फिकी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करने जाए तो इसका जो हैडक्वार्टर यानी कि इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर ठीक है सो इसमें हम लोग जो सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल

जिसको हम लोग क्या सो अरोड़ का युद्ध बोलते हैं मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में फिर आप जो पढ़ते हो वो कौन सा इंपॉर्टेंट है तो ग्यारह सौ इक्यानवे का तराइन का प्रथम युद्ध ग्यारह सौ बानवे तराइन का द्वितीय युद्ध ठीक है और दूसरा आपका रहता है ग्यारह सौ चौरानवे तो वो आप पढ़ते हैं चंद्रावर का युद्ध ठीक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है फिर बारह सौ से आपको शुरुआत कर देता है ठीक है बारह में तो ऐसे देखा जाए तो बारह का टाइम पीरियड काफी इम्पोर्टेंट जब चंगेजखा भारत में आता है फिर उसके बाद तेरह सौ अंठानवे जब तैंबूर लंग भारत में आता है तो वो इम्पोर्टेंट है ठीक है फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड रहता है वो कैंसर रहता है पंद्रह सौ छब्बीस वाला पानीपत का प्रथम युद्ध फिर उसके बाद द्वितीय युद्ध अगर देखा जाए पानीपत का तो कब रहता है पंद्रह में और तृतीय युद्ध की बात की जाए तो सत्रह में ठीक है सत्रह में आपको प्लासी के युद्ध की बात करता है सत्रह में याद रखेगा बेदरा के युद्ध की बात करता है सत्रह में वाणीवास के युद्ध की बात करता है और सत्रह में बक्सर के युद्ध की बात करता है ठीक है बक्सर के तो ये जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर ठीक है अगला सवाल है कि जम्मू कश्मीर के शासक गुलाब सिंह का वर्ष अठारह में उनकी मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी बना सो तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे वन होगा टू होगा थ्री होगा या फिर फोर कर्ण सिंह हो जाएगा रणवीर सिंह हो जाएगा प्रताप सिंह हो जाएगा या फिर हरि सिंह सो so निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और यहां पर जो हम लोग राइट right आंसर टिक करेंगे दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है रणवीर सिंह इज द राइट आंसर ठीक है तो इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन है Uh, किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है तो आयोडीन की आयरन की प्रोटीन की या फिर विटामिन ए तो निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी पर एनीमिया रोग होता है एनीमिया तो आयोडीन की कमी से तो घेंगा होता है ठीक है और ये सभी को मालूम है ये जो होता है दैट इज़ अ ऑप्शन ऑप्शन ठीक है वन इज करेक्ट आयरन की कमी से एनीमिया पूछा गया बच्चों एनीमिया ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ठीक है चले अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से 18 साल कर दी तो ये काफी पॉपुलर था ये जो अमेंडमेंट है काफी पॉपुलर था कि जो वोटिंग uh, एज है वो कितने से कितनी कर दी गई है वोटिंग एज ट्वेंटी वन से एट्टीन ठीक है लेकिन अभी हाल ही में आपने शारदा एक्ट के बारे में पढ़ा होगा जो शारदा एक्ट आया था और उसके रिकमेंडेशन के बाद जो शादी की उम्र है वो बढ़ा दी गई है लेकिन वो वोटिंग एज जो है कम की जा चुकी थी और ये जो वोटिंग एज है जो कम की गई थी ये काफी पॉपुलर हुआ दैट इज असटी फर्स्ट अमेंडमेंट ठीक है सो ये काफी पॉपुलर था इकसठवां जो संशोधन हुआ और ये जो संशोधन हुआ ये याद रखेगा 1989 में और उसके तहत जो वोटिंग एज थी आपकी 21 से कम करके कितनी कर दी गई 18 ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच आर्टिकल रिलेटेड टू द स्टेट फाइनेंस कमीशन इन द रूरल लोकल बॉडीज तो वैसे जब हम लोग सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं आपने पढ़ा होगा जब भी हम लोग सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल कौन सा है तो वहां पर हम लोग टू एट्टी की बात करते हैं और अभी आपको मालूम होगा कि फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन गोइंग ऑन है इस समय वर्तमान में फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन और फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है एनके सिंह नाम भी सुना होगा प्रत्येक पांच साल के बाद फाइनेंस कमीशन की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अब इसमें बात चल रही है किसके बारे है? में ग्रामीण स्थानीय तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थे इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है पूछा गया मनोहर पारिकर निम्नलिखित में से कौन थे मनोहर पारिकर सो so, डिफेंस मिनिस्टर थे गोवा के सीएम भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं या निम्नलिखित में से कोई भी नहीं तो अभी जो वर्तमान में सीएम है तो वो तो आपको मालूम है कि प्रेजेंट में जो है प्रमोद सामंत वर्तमान में हम लोग जो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट ठीक है तो पहला सही है आ, ये फॉर्मर कह सकते हो वर्तमान में तो नहीं है फॉर्मर कह सकते हैं ठीक है थीके? तो अब वर्तमान में नहीं है प्रीवियस सीएम ऑफ गोवा ठीक है तो वर्तमान में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह साहब हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच साइड इफ अ मैन क्रॉसेज द डेट लाइन अ डे इज एडेड तो आपने इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ा होगा इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में क्योंकि आपकी अलास्का और यूएसए के बीच से गुजर सॉरी अलास्का जो है जो रसिया और यूएसए के बीच से गुजरती है इंटरनेशनल डेट लाइन वन एट्टी डिग्री तो उसी से रिलेटेड पूछा गया है वन एट्टी डिग्री से जुड़ा हुआ सवाल कि इसमें से क्या टिक करेंगे ठीक है एक राइट right जाने पर सॉरी ईस्ट में जाने पर और दूसरा वेस्ट में जाने पर तो आप सभी को मालूम है जब ऐड की अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो आप किससे जाते हैं ईस्ट टू वेस्ट तो ऐड होता है ठीक है और अगर लॉस की बात करने जाएंगे तो वेस्ट टू ईस्ट ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री इज करेक्ट है ऑप्शन थ्री इज करेक्ट सो गाइज ये था आज का सेशन बाकी जिन सभी का कल एग्जाम है सो so, सभी को ऑल द बेस्ट बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी शुभकामनाएं सो so, अच्छा करके आइए जितना बेहतरीन आप कर सकते हैं ठीक है और प्रयास करिए कि सभी क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें ठीक है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है ठीक है और मेरे सेशंस की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मिल जाएंगे सो प्लीज फॉर द पीडीएफ विजिट दिस टेलीग्राम ग्रुप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और रेगुलर मेरे हर एक सेशनस के अपडेट मिलते रहेंगे तीन बजे मिलते हैं हम लोग मास्टर क्लास में तो मास्टर क्लास का शेड्यूल जरूर याद रखेगा तीन बजे आपका डेली बेसिस पे होता है और जब भी आप बुक पर किसी भी सुपर कोर्स को इनरोल करने जाएँ सो यूज दिस कूपन कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और दिस कूपन कोड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन टेक्स बुक चलिए इसी नोट के साथ गाइस हम लोग देख लेते हैं आज के किस के किसके बारे बारे में बुक पास के बारे में में पास कि आप में से जिन भी कैंडिडेट का टेक्स बुक पास इस समय खत्म हो गया है ठीक है और वो इन करना चाहते हैं चाहते हैं कि डिस्काउंट ऑफर्स में टेक्स बुक पास को इन कर लें तो टेस्ट बुक पास देखिए इस समय बेहतरीन एक डिस्काउंट लेकर के आया हुआ कि मैं बात करने जाऊँ तो ये जो अभी सेल चल रही है सेल कौन सी है ट्वेंटी फिफ्थ और ट्वेंटी सिक्स की ठीक है तो ठीक है तो आप इस सेल में इनरोल कर सकते हैं ठीक है थीके? और इसमें जो बुक का एट्टीन महीने का जो पास है आपका मिल जाता है थ्री सेवेंटी फाइव रुपये में किस तरीके से इन करना है सो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल सो सबसे पहले तो आप जो सेशन देख रहे हैं उस सेशन को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा सो दैट रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ठीक है थीके? और ये है आपका बुक पास का लिंक तो इसको एक बार क्लिक करिएगा जब इसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ये फीचर ओपन होगा तो गोल्डन टिकट जो है फोर नाइन नाइन का है और लाइफ टाइम है सिक्स नाइन नाइन का बट ये प्राइस नहीं पे करने इसमें भी आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं सो यूज़ द कूपन कोड कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करें एस के टी पास सुकुमार तिवारी पास और जब इसको अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट अ डिस्काउंट लाइफ टाइम पड़ेगा फाइव ट्वेंटी फाइव का गोल्डन पड़ेगा थ्री सेवेंटी फाइव का और ये मिल जाएगा अठारह महीने का टेक्सट बुक पास 500 प्लस एग्जाम कवर्ड है 45,000 मॉक टेस्ट हैं और 30,000 या 13,000 थाउजेंड पी वाई क्यू है चौदह लाख साठ हज़ार बच्चों ने ऑलरेडी इनक्लोड रजिस्टर किया हुआ है और अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि कौन कौन से मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं तो जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं सभी के मॉक टेस्ट आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और सबके लिए अलग अलग आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है एक मॉक मॉकटास्ट से एक मॉक टेस्ट से आप सभी एग्जाम्स यहाँ पर दे सकते हैं ठीक है सो चलिए गाइज ये था आज का सेशन और थैंक यू सो मच तो बताइएगा मुझे कल कि कल आपका पेपर कैसा रहा सो so, कल मुलाकात होती है थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर यस